हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल की एक और कंपैरिजन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे शहरों का कंपैरिजन करने वाले हैं जिनका नाम तो एक जैसा है, क्योंकि जहां एक शहर भारत में है तो वहीं दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान में, और इन दोनों शहरों का नाम है हैदराबाद। वैसे चाहे आप भारत में हो या पाकिस्तान में, हैदराबाद नाम तो आपने काफी बार सुना ही होगा, लेकिन क्या आप दोनों ही शहरों से जुड़े किसी भी डिटेल के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारत की हाईटेक सिटी हैदराबाद और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की दूसरी बड़ी सिटी पाकिस्तानी हैदराबाद के बीच एक ऐसा कंपैरिजन जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोनों ही शहरों की कुछ बेसिक डिटेल्स से। तो 650 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बसा और करीब 1,10,00,000 पॉपुलेशन के साथ भारत का हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी होने के साथ साथ देश के टॉप 10 शहरों में से एक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र है। और समय के साथ ये शहर देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का हब बनता जा रहा है, इसलिए तो इसे साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है। वहीं 993 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला और करीब 25,00,000 पॉपुलेशन के साथ पाकिस्तानी हैदराबाद कराची के बाद सिंध प्रांत का दूसरा बड़ा शहर है, जहां टेक्सटाइल, चूड़िया, सीमेंट, साबुन, पेपर और प्लास्टिक के अलावा पाकिस्तान की कई बड़ी इंडस्ट्रीज सिंध के कराची हैदराबाद रीजन में ही मौजूद है। बात हो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तानी हैदराबाद भारतीय हैदराबाद के सामने दूर दूर तक नजर नहीं आती है, क्योंकि पाकिस्तानी हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर नेशनल हाईवे N55, M9 मोटरवे, हैदराबाद रेलवे स्टेशन, गिनती की बसें और एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो 2013 से फाइनेंशियल लॉसेस के कारण बंद है। और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा पाकिस्तानी हैदराबाद में प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। वहीं भारत की हाईटेक सिटी हैदराबाद में सड़कों, पुलों और नेशनल हाईवेज का जाल बिछा है। साथ ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। इसके अलावा 67 किलोमीटर लंबा हैदराबाद मेट्रो नेटवर्क पाकिस्तान देश के टोटल मेट्रो नेटवर्क से कई गुना बड़ा है। और भारतीय हैदराबाद में देश के कई बड़े शहरों से रेल और एसी बसें अवेलेबल हैं। इसके अलावा भारतीय हैदराबाद का प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर आप वीडियो में देख ही रहे हैं, चमचमाती कमर्शियल बिल्डिंग्स के साथ साथ वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल फैसिलिटीज, 5-स्टार होटल्स, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग मॉल्स और रिक्रिएशनल एरियाज की भी कोई कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब बात जीडीपी की, तो दोनों ही शहरों की जीडीपी में जमीन आसमान का फर्क है। जहां पाकिस्तानी हैदराबाद की जीडीपी 13 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है, वहीं भारतीय हैदराबाद की जीडीपी 95 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। एक कॉस्मोपॉलिटन शहर होने के कारण भारतीय हैदराबाद में 65% हिंदू, 30% मुस्लिम, 25% क्रिश्चियन और 25% अन्य धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, और यहाँ तेलुगु, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। वहीं पाकिस्तानी हैदराबाद में माइनॉरिटी कम्युनिटी खत्म होती जा रही है, और यहाँ आज के समय में 94% मुस्लिम, 5% हिंदू और 1% दूसरे धर्मों के लोग बचे हैं। वहीं पाकिस्तानी हैदराबाद में मेजॉरिटी पॉपुलेशन उर्दू और सिंधी बोलती है। तो आशा करते हैं कि आपको दोनों ही शहरों के बारे में इस कंपैरिजन वीडियो से एक बेहतर आइडिया जरूर मिला होगा। वैसे दोनों ही देशों के बीच रिश्ते अच्छे होते तो शायद ये कंपैरिजन कुछ अलग ही होता। और अगर आप भी घर बैठे बैठे देश के अलग अलग शहरों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।